तो हमारे पास जो है, हम क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल. तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + √5 इज रैशनल. ये बस हो, अगर ये रैशनल है तो हम इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो लेट 3 + √5 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू. यहां हमें को प्राइम का यूज नहीं करना. आप लिखना चाहो को प्राइम लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो. बस इतना लिखना है कि ये इंटीजर्स हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. इंटीजर लिख लोगे तब भी काम चल जाएगा. को प्राइम लिखना चाहो लिख लीजिए, को प्राइम इंटीजर्स. स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर की जरूरत नहीं है बेटे. तो ये हमारे पास आ जाएगा. इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देता है ऑलरेडी कि रूट फाइव, हेयर रूट फाइव इज इरेशनल. प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल इफ गिवन रूट फाइव इज इरेशनल. तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि रूट फाइव हमारा इरेशनल है, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है. तो अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनको हमें यहां से हटाना है. तो सबसे पहले 3 को हटाइए, तो दैट विल बी पी बाय क्यू माइनस 3. टेक एलसीएम, सो पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू दैट इज 2 √5. 2 को भी हटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू. बात समझ में आ गई? हाँ सर. ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि p हमारे पास, प्लीज ध्यान से देखिए, p हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, और 3 क्यू जो होगा हमारे पास वो भी इंटीजर होगा. ये सर नो, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, तो 3 क्यू भी इंटीजर. अब उसको अगर आप माइनस करोगे तो p माइनस 3 क्यू इंटीजर आएगा एंड 2 क्यू इज ऑल्सो इंटीजर. तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रैशनल. रैशनल, तो इसका मतलब ये है बेटे कि राइट साइड जो आपके पास है वो रैशनल है एंड राइट साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रैशनल. अगर इक्वल है तो रैशनल है, बट ये अब क्या आ गया, अगेन देर इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज it is non, it is fact, it is given, root 5 is irrational. तो जब contradiction आ रहा है तो contradiction किस वजह से आ रहा है, wrong assumption की वजह से. तो assumption wrong हो गया, फिर हमारा बस इसमें यहीं तक करना है, आगे तो सिर्फ statement देना है. तो statement क्या देंगे आप, तो statement दे दीजिए here p and q are integers, so p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज रैशनल, सो √5 इज रैशनल. ठीक है सर, बट इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. It is due to wrong assumption. Hence, 3 + √5 is irrational. Sir, कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर. तो ये वाले पार्ट बेटे इतना इजी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 + √5 को रैशनल ले लिया तो p by q हो गया. देन हम इंटीजर पार्ट को इधर ले जाएंगे तो वो राइट साइड वाला रैशनल हो जाएगा. इफ राइट साइड इज रैशनल एंड इज इक्वल्स टू इज गिवन, सो लेफ्ट साइड इज ऑल्सो रैशनल, बट वी नो दैट लेफ्ट साइड इज इरेशनल. तो अगेन देर इज ए कंट्राडिक्शन ड्यू टू रॉन्ग assumption. Assumption हमारे पास दो ही है, अगर रैशनल है तो इरेशनल, इरेशनल है तो रैशनल. तो हमने रैशनल सपोज किया है, हेंस इसका अपोजिट ये इरेशनल हो जाएगा. सर ठीक है, इसे नोट कर लो. जी सर, करिए नोट. वाह.